बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। रक्षाबंधन के पहले मोहन सरकार ने तोहफा दिया है और आपको गिफ्ट मिला है। आपके फायदे की खबर है, आपके काम की खबर है, तो चलिए खबर क्या है ये बता देते हैं और खबर की शुरुआत कर लेते हैं। रक्षाबंधन आने वाला है, लाडली बहनों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले ही तोहफा देने लगे हैं। अगस्त की किस्त में 250 रुपए ज्यादा देने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं और आज मोहन कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। जानते हैं क्या फैसला किया है जिसे प्रदेश भर की बहनें खुश हैं। लाडली बहनों को गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने की घोषणा कर दी गई है। सिर्फ 450 रुपए, सोचिए, जहां और सब राज्यों में गैस सिलेंडर की कीमत 1100 से 1150 है, वहां मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को सिर्फ 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। है ना आपके काम की खबर। अब जब सिलेंडर इतनी सस्ती हुई है तो इससे राज्य सरकार पर 160 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 160 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी और आपको खुश करेगी। बहनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी जिसका वहन सरकार करेगी, यानी कि जो सिलेंडर 848 रुपए में मिलता था उस पर अब बस 450 रुपया देना होगा। 398 रुपया सरकार देगी। लेकिन एक बात जान लीजिए, जिन महिलाओं का नाम उज्ज्वला योजना में है उन्हीं लोगों को सिर्फ 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, सभी को नहीं। कुल मिलाकर 40 लाख के करीब महिलाओं को लाभ मिलने वाला है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, इतनी बड़ी आबादी को सौगात देने का मतलब समझ रहे हैं आप। एकदम से कमाल कर दिया है मोहन जी ने, कमाल कर दिया है, मालामाल कर दिया है। अभी खाली सिलेंडर सस्ती नहीं हुई है, आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं को भी बम्पर गिफ्ट मिला है। सिर्फ सिलेंडर पर सस्ता नहीं हुआ है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलेगा। किसी बहन के साथ कोई घटना हो जाए जिसके जीवन पर बात आ जाए तो उसे 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलेगा। एक्सीडेंटल की स्थिति में 1 लाख रुपए का प्रावधान है। 57,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलने वाला है, 57,000 से ज्यादा। सुन लीजिए, डॉक्टर मोहन यादव जब मीडिया से बात कर रहे थे तो कैसे मुस्कुराते हुए दोनों योजनाओं को लेकर बोल रहे थे। सुनाइए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं। रक्षाबंधन का सावन का महीना है, रक्षाबंधन भी आने वाला है, ऐसे में हमारी सभी लाडली बहना और खास करके उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बहनों का जिनका गैस कनेक्शन है, इनको हम अपने वित्तीय संसाधन से 450 रुपए में गैस कनेक्शन का जो सब्सिडी देने का हमने घोषणा पहले से की हुई है, हम उस पर कायम है। आज कैबिनेट के माध्यम से हमने और दोबारा उसको पुष्टि की है कि इनका हेड खोल करके उनको वो राशि दी जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, इनके लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी कवर देने का निर्णय किया गया। अर्थात अभी तक ये इससे वंचित थी। इस स्थिति में आंगनवाड़ी सहायिका इनके जीवन को लेकर के जो काम करते करते का आश्वस्ति सरकार के साथ होना चाहिए, हम इन योजनाओं में निवेश करते हुए 2-2 लाख का बीमा कवर उसमें भी इनको देने वाले हैं। महिलाओं को धन्यवाद दे रहे थे, बहुत बड़ा तोहफा है एक भाई का अपनी बहनों के लिए। जब मुखिया ने बहनों को गिफ्ट दिया है तो फिर रिएक्शन दिखाना तो बनता है। विस्तार न्यूज है, पता तो कर लें खुश हैं कि नहीं, दिखा दीजिए। लाडली बहनें क्या कह रही हैं, कितनी खुश हैं, सब कुछ दिखा दीजिए। ना मोहन जी है मुख्यमंत्री, उन्होंने सबके लिए हर चीज की सुविधा कर रखी है उन्होंने, और जो है सिलेंडर भी 450 का कर रहे हैं, जितने है ना 1000 रुपये और उसका आता था उससे कितना कम कर दिया है, और हर चीज की सोच रहे हैं। धन्यवाद मोहन यादव का मोहन यादव को बहुत बहुत बधाई हो मोहन यादव को, जो अच्छी राहत मिलेगी है। साल में 12 सिलेंडर लगते हैं तो 12 इनके करो है, आधे में ही तो मिल रहा है। कोई तो गरीब है, कोई अमीर है, कोई पैसा वाला होता तो वो ले लेते तो हंस के, और कोई गरीब है तो अपना पेट काटता जब लेते। बहुत अच्छा काम किया है, हम बहुत खुश हैं, अच्छा कर रहे हैं सरकार। बहुत महंगा 900 रुपए का पड़ता था, ब्लैक में लेते थे, बहुत परेशानी भी है। वो बहुत सारी सुविधा कर रहे हैं लाडली बहना के लिए, उनके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। भाषा सुन रहे थे आप, बहुत खुश हैं लाडली बहने, खूब खुश, चहक रही हैं, चहकती रही है। हम भी यही चाहते हैं सरकार इस तरह से आपकी चिंता करती रहे, और जब आप खुश होती हैं घर में खुशी बिखरती है, इसलिए इस तरह से तोहफा मिलते रहे और इस तरह से गिफ्ट आपको मिलता रहे।